You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या चल रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइन, SEC मुकदमे में मामूली जीत के बीच XRP टोकन की वैल्यू एक महीने में लगभग 60% से पंप हो जाती है। 451 मिलियन शिबा इनू टोकन्स हाल ही में किए गए शिब इटर्निटी प्रतियोगिता के विनर को मिलते हैं। सितंबर में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद NFTs की सेल्स और भी ज्यादा गिर जाती है। स्टेबल कॉइन सुरक्षा के मुद्दों और ट्रस्ट की चिंताओं से त्रस्त है, नए रिपोर्ट से पता चलता है। कार्डानो का प्रदर्शन वसील हार्ड फोर्क के इम्प्लीमेंटेशन के बाद मुख्य रूप से बदल गया है। नए अध्ययन से ये पता चलता है कि सितंबर में बिटकॉइन ने नैस्डैक और S&P 500 से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। नॉर्वे क्रिप्टोकरेंसी माइनर्स के लिए बिजली टैक्स कटौती को उलटने के लिए तैयार है। कार्डानो पर तैनात स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या 2 सप्ताह में 100 से भी अधिक बढ़ जाती है। क्रिप्टो एक्सचेंज और कस्टडियल सेवाओं के प्रदाता के रूप में बाइनेंस कजाकिस्तान में लाइसेंस प्राप्त करता है। मेटा का मेटावर्स ऐप बग्स के कारण क्वालिटी लॉकडाउन में जाता है। मास्टर कार्ड का क्रिप्टो सिक्योर फ्रॉड से कॉम्बैट करेगा, जिसके लिए यूनिग्लो आयो और इथेरियम डेवलपर्स पूरी तरह से बोर्ड पर होंगे। वीजा और FTX पार्टनरशिप करके 40 देशों में क्रिप्टो डेबिट कार्ड लॉन्च करेंगे। क्रिप्टो बाजार में चल रही अस्थिरता के बीच XRP महत्वपूर्ण लाभ दर्ज करके बाधाओं को टालते हुए प्रतीत होता है, क्योंकि टोकन की मूल कंपनी रिपल SEC एक्सचेंज कमीशन के साथ कानूनी लड़ाई में उलझी हुई है। वास्तव में कॉइन मार्केट कैप के आंकड़ों के अनुसार 8 सितंबर को $0.33 पर कारोबार करने के बाद प्रेस के समय XRP टोकन एक महीने में $0.52 के मूल्य पर पहुंच गया है, जो कि 57.7% की वृद्धि दर्शाता है। शिब इटर्निटी ट्विटर अकाउंट ने सितंबर में शुरू की गई प्रतियोगिता पर अपडेट प्रकाशित किया है। सर्वश्रेष्ठ ट्रेलर का पुरस्कार शिबा इनू $5,000 के बराबर, जो कि वर्तमान में कुल 451 मिलियन शिबा इनू टोकन्स होते हैं। वह शिब इटर्निटी गेम ने कहा कि डिस्कॉर्ड के माध्यम से ये पुरस्कार विनर्स को दिया जाएगा। NFT वॉल्यूम्स की हाल की स्थिति देखते हुए कोई थोड़ा चिंतित हो सकता है। 11% कम खरीदारों के साथ साप्ताहिक बिक्री की मात्रा 18% से अधिक गिर गई है। अपने आप में ये मैट्रिक्स NFT के लिए एक परेशान करने वाला दृष्टिकोण बन जाता है। हालांकि विचार करने के लिए अन्य पहलू ये है कि NFT लेनदेन में 12% की वृद्धि भी हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने नेशनल इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, एक यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर डिपार्टमेंट ने स्टेबल कॉइन के आसपास टेक्नोलॉजी और सुरक्षा चिंताओं में खोज का अध्ययन किया है। नॉन रेगुलेटरी एजेंसी ने मार्केट कैप द्वारा टॉप 20 स्टेबल कॉइन्स का अध्ययन किया और उसे ये पता चला कि अतीत के वर्षों में उनमें से केवल 5 ही अपने लाइफ टाइम में अपना पेग स्टेबल रख पाए। कार्डानो के ट्रांजेक्शन की संख्या में वृद्धि कोई भी नोट कर सकता है, जो आमतौर पर वसील हार्ड फोर्क से पहले होता था। हालांकि संसाधित किए जा रहे कार्डानो ट्रांजेक्शन की संख्या में एक विशेष कदम 25 सितंबर को किया गया था और अब यह गति जारी है। इसके अलावा कार्डानो ने सिंगल लेनदेन में भी अधिक भुगतान शामिल करने की थ्रेशोल्ड पर पहुंच गया है, जिसे हाल ही में कार्डानो के संस्थापक चार्ल्स हॉस्किंसन ने भी नोट किया था। सितंबर में मूल्य में 3.11% की गिरावट देखने के बावजूद बिटकॉइन ने अभी भी S&P 500 और नैस्डैक दोनों से बेहतर प्रदर्शन किया है, जैसा कि नए क्रिप्टोकरेंसी रिपोर्ट में दिखाया गया है। कहा जाता है कि बिटकॉइन के लिए टीथर और अमेरिकी डॉलर के व्यापार की मात्रा में वृद्धि से ये पता चलता है कि घबराए हुए इन्वेस्टर्स क्रिप्टोकरेंसी के पक्ष में डिप्रिशिएटिंग करेंसीज को डंप कर रहे हैं। नॉर्वेजियन सरकार स्थित बिजली के साथ क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग डेटा केंद्र के लिए इंक्रीज टैक्स पॉलिसी उपचार की नीति को खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा कर रही है। ओस्लो में एनर्जी एग्जीक्यूटिव का कहना है कि स्थितियां बदल गई है और देश को वर्तमान में माइनर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की आवश्यकता है। कार्डानो ब्लॉकचेन इनसाइट्स के आंकड़ों के अनुसार, जैसा कि फिनबोल ने रिपोर्ट किया है, 22 सितंबर को वसील हार्ड फोर्क के समय कार्डानो पर 3229 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो कि 6 अक्टूबर तक कार्डानो पर 3392 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं, जो कि दर्शाता है कि केवल 14 दिनों में 100 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वृद्धि हुई है।